कल मरहबा की सदाएं थी, अब अलविदा रमजान। कितने कलील वक्त के लिए घर आया था मेहमान। रहमत मगफरत जहन्नुम से निजात थी इसमें, किसने खोया किसने पाया माहे नुज़ूले कुरान। अब वक्त रुख्सत आंखें अश्कबार हैं इमरान। अलविदा माहे रमजान, अलविदा माहे रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक ताला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खलूस भरा आदाब व अस्सलामुअलैकुम। बज़्म सहर की 29वीं सहरी के साथ मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को इस खुसूसी ट्रांसमिशन में 29वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज रमज़ान के आखिरी अशरे की आखिरी ताक रात है, तो इस रात में हम जहाँ शब कदर को ढूंढेंगे, अपनी मगफिरत करवाएंगे, तौबा करेंगे, वहीं हमारे साथ ये रमज़ान रुखसत हो रहा है तो दिल भी कुछ उदास है। आपने आगाज़ में सुन लिया कि इमरान ने कितनी अच्छी तरह बताया है, तो अब ये जो रमज़ान हमारे साथ चला गया तकरीबन एक ही दिन है और इसी कश्मकश में है कि आया कि एक रोज़ा हमें और मिलता है या नहीं मिलता, या अगली हमें ईद नसीब होती है। तो दोनों ही बातें हमारे लिए खुशी की हैं कि अगर रोज़ा मिल जाता है तो इबादत का मौका मिल जाएगा और ईद आ जाएगी तो खुशियाँ हमें मिल जाएंगी। और ईद की सेलिब्रेशन के लिए हर कोई तैयार ही रहता है, ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। ईद आती है, नए नए कपड़े पहनते हैं, ईदियाँ मिलती हैं, सबसे बड़ी बात। तो इन ईद की खुशियों में, इन रमज़ान की खुशियों में हम सब साथ थे, तो इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुशियाँ अता करता रहे और रमज़ान की रहमतें बरकतें जहाँ हमने लूटी हैं उसके बाद आगे के महीने जो हमारे आएँ वो भी हमारे लिए रहमत और बरकतों वाले आएँ। और अल्लाह करे कि अगले साल भी हमें रमज़ान मुबारक के साथ नसीब हों। और ईद उल फितर बिल्कुल जो है आमद आमद ईद उल फितर की, ईद की खुशियों में आप अपने गिरदो नवा में उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो ईद मनाना जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ईद उल फितर का जो सदका फितर है वो भी इसलिए रखा गया है कि जो मुस्तहिकीन है जो ईद नहीं मना सकते वो ईद मना सके, तो लिहाजा आप ईद की नमाज से पहले पहले सदका फितर अपना अदा कर दें ताकि वो लोग जो ईद मनाना जिनके लिए मुश्किल हैं, जिनके घर में ईद वाले दिन भी कुछ नहीं पकता, वो आपके सदका फितर से अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ ईद की तैयारियाँ कर सकें। आइए बढ़ते हैं बज़्मे सहर की जानिब और बज़्मे सहर का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से। कारी उबैदुल्ला कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश कीजिए। कोई खिलकत में उनसे नहीं है हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, वो शफी उल वरा उनकी क्या बात है। और किस अज़मते फर्श हैं, ज़ीनते अर्श हैं, अज़मते फर्श हैं, वो मकीने हिरा उनकी क्या उनसे मिला
उसको रब मिल गया, बेअदब जिंदगी को अदब मिल गया। जो भी उनसे मिला उसको रब मिल गया, बेअदब जिंदगी को अदब मिल गया। रब से वो आशना उनसे रब आशना, वो दलील खुदा उनकी क्या बात है। उनकी खातिर दो आलम बना ए गए, उनके अनवार से फिर सजाए गए। उनकी खातिर दो आलम बना ए गए, उनके अनवार से फिर सजाए गए। उनके रुतबे कुछ इतने बढ़ाए गए, अक्ल से क्या बात है, क्या बात है उनकी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कलाम। अच्छा जी, आज का जो बज़्म सहर है बेसिकली एक स्पेशल प्रोग्राम है, और इस स्पेशल प्रोग्राम को आज इसलिए पेश किया जा रहा है कि आप कोई भी काम करते हैं और उस काम को करने के बाद अगर आपको एप्रिसिएशन ना मिले तो आपका दिल टूट जाता है। तो आज ज़रूरी है कि इस ट्रांसमिशन में जिस जिस ने मेहनत की थी, जिस जिस ने अपना हिस्सा डाला था, उनको अप्रिशिएट किया जाए। हम कोई भी काम करते हैं अगर हमें भले उसकी उजरत मिलती हो, लेकिन जब तक कोई हमारी पीठ थपथपा के हमें ये ना कहे कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, तब तक जो है खुशी नहीं होती। तो आज के प्रोग्राम में बेसिकली हमने पीठ थपथपानी है और कहना है कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपने। उसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर, हमारे PCR, MCR, K21 की पूरी टीम, तमाम नातवा हजरात और जो पूरे रमजान यहाँ पर आते रहे ट्रांसमिशन में, और हमारे तमाम गेस्ट जो आए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, वो उन तमाम लोग भी शामिल हैं, हाँ उन तमाम लोगों की काविशों से ये कामयाब तरीन ट्रांसमिशन आप तक हम पहुँचा सकें। लेकिन इस कामयाब तरीन ट्रांसमिशन का सहरा जहाँ सबके कंधों पर जाता है, वहीं वहीं हमारे प्रोड्यूसर जो कि बहुत ही खूबसूरत कम उम्र और इस कम उम्र के अंदर बड़ी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं, SM नात कौंसिल के जो है वो चेयरमैन भी हैं, फलाई काम भी करते रहते हैं, और रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से एक वसी उनका तजुर्बा है, बेशुमार बड़े बड़े चैनल्स पे उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं और गुज़िश्ता 2 सालों से अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन वो करते हैं। तो शाहरुख मिर्ज़ा हमारे साथ आज मौजूद हैं, और आज शाहरुख मिर्ज़ा को आप स्क्रीन पर देखेंगे और शाहरुख मिर्ज़ा से बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत कुछ आप जानेंगे शाहरुख मिर्ज़ा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक ठाक। इमरान भाई आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कामयाब तरीन बज़्म सहर ट्रांसमिशन पे आपको मुबारकबाद। मुबारक, आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो हमने 29 दिन अभी साथ गुजारे हैं और ये बज़्म सहर का गुलदस्ता हमने सजाया, ये वाकई कामयाब तरीन ट्रांसमिशन रही? जी जी बिल्कुल, लोगों से जो फीडबैक आ रहा है उसके हवाले से तो एक कामयाब ट्रांसमिशन रही है। तो इस बार कैसे जहन में आया कि जी एक टीम बनाई जाए और एक सहरी की ट्रांसमिशन की जाए, तो ये ख्याल कब आया कि इस साल भी एक रमज़ान ट्रांसमिशन की जाए? जैसे कि पिछले साल हमने मिलके जो एक एक टीवी की ट्रांसमिशन की थी, सहरी ट्रांसमिशन, तो पूरी ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, तो इस बार जो है वो क्योंकि चैनल से वो ट्रांसमिशन जा चुकी थी, तो फिर हमने सोचा कि इधर
इस चैनल पर भी जो है एक्सपीरियंस किया जाए। तो फिर इधर हमने एक ट्रांसमिशन ली, मगर इधर भी शहरी ट्रांसमिशन जो है वो हो चुकी थी। तो हमने एक घंटे की एक बजम सजाई और उस बजम में फिर मैंने इमरान भाई को अपने साथ लिया। फिर जो है एक दो लोग और थे मेरे साथ, जैसे डॉक्टर फिजा हैं, मारिया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, अल्ताफ भाई हैं। फिर हम सब ने मिलकर जो है इसको डिज़ाइन किया और फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैंने टेलीविज़न से इंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन मेरी जो रमज़ान ट्रांसमिशन की इब्तदा हुई वो शाहरुख मिर्ज़ा से हुई। और पहला मौका मुझे स्क्रीन पर रमज़ान ट्रांसमिशन करने का शाहरुख मिर्ज़ा ने दिया। हमारी नूर सहर रमज़ान ट्रांसमिशन गुज़िश्ता बरस एक चैनल से हुई और इंतहाई कामयाब तरीन ट्रांसमिशन थी। और उसके बाद इस साल भी जो है शाहरुख मिर्ज़ा ने मुझे मौका दिया कि मैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हूँ। अच्छा, मैं तो इसी तरह मेरा साथ भी यही हुआ कि मुझे भी शाहरुख मिर्ज़ा ने ही मौका दिया और मेरी पहली मर्तबा की ट्रांसमिशन है। आप तो शायद कर चुके हैं, मैं बता अभी भी यही सवाल करने वाला था कि जी मेरा तो चले पिछले साल आपके साथ वाबस्तगी रही, गोबीस पेंट की वजह से ताल्लुक बना। साइमा शेख इस 29 दिन में हमारे साथ रही, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, पहली बार कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा किया माशाल्लाह से, बड़े अच्छे तरीके से निभाया और कहीं किसी किस्म का कोई एरर देखने को नहीं मिला। तो ये साइमा शेख कहाँ से दस्तियाब हुई आपको? साइमा साहिबा का मेरे पास एक दिन मैसेज आया था, तो फिर उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई और फिर जब मैं ट्रांसमिशन कर रहा था तो फिर इसी तरह से बस रابطہ हुआ था। फिर मैंने बुलाया, मीटिंग की और फिर हमने काम किया। अच्छा, शाहरुख की एक बात ये बहुत अच्छी है कि न्यू टैलेंट को ये चाहे कोई भी हो उसको बहुत आगे लाते हैं, चाहे वो नात खुआ हो, चाहे होस्ट हो, चाहे कोई मेहमान हो, ये ढूंढ ढांड के लेकर आते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि किसी नए के ऊपर एतमाद करना कि भी ये संभाल लेगा। लाइफ का मामला होता है, इंसान कुछ भी मुंह से निकल जाए फंबल, बहुत मोहतात होकर बोलना पड़ता है। तो शाहरुख मिर्ज़ा ने एतमाद किया और आप यानी इनकी जजमेंट अच्छी है। हाँ, और आप इनके एतमाद पे पूरा उतरे। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं माशाल्लाह अच्छा काम किया, उतर गए थे। जब ही आपको दोबारा ले लिया। चले आगे। नहीं, शाहरुख को जो है ना टैलेंटेड लोगों की पहचान है। बिल्कुल, मैंने यही कहा इनकी जजमेंट बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका कैसा तजुर्बा रहा ये बताइए हम लोगों को। नहीं, बस ये है कि जजमेंट करना कि भाई हाँ ये बोलना जानता है या किस तरह से, तो उसके बाद फिर ये है कि जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हवाले से जो है हम ठीक करते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको भी बताते रहता। बिल्कुल, अभी मैं यही कहने वाली थी नाज़रीन कि ये प्रोग्राम मैं स्किप कर रही थी बीच में, लेकिन ये जो अगर मैंने कंटिन्यू किया ये शाहरुख की वजह से ही किया है कि इन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करना है, नहीं तो मैं जा रही थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। हाँ, ये दिल बर्दाश्त हो गई थी, उन्होंने कहा नहीं मैं बोल नहीं पाती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मेरा नहीं नहीं इस तरह से बोले इन लोगों को देखे, कुछ लोगों को ना मौजू भी लग रही थी, शायद मुनासिब नहीं लग रही थी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। नहीं, लोगों को तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। लोगों को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, तो लोगों को लोगों को कुछ चीज अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैंने भी शाहरुख को कहा कि नहीं भाई ये यहाँ पर आई है तो सीख के जाए, तो यहाँ सीखने का बहुत कुछ मौका मिला हुआ। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने हौसला अफजाई की और पजीराई करते रहे मुख्तलिफ टाइम पे। अच्छा, बहुत सारे लोग शाहरुख मिर्ज़ा से लिंक्ड हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और शाहरुख मिर्ज़ा की एक कॉल के ऊपर जो है वो दस्तयाब होते हैं। तो ऐसी आज शख्सियात हमारे साथ मौजूद रहेंगी जिनसे हम तासुरात लेंगे शाहरुख मिर्ज़ा के हवाले से कि उनका ताल्लुक कैसा है शाहरुख मिर्ज़ा से, शाहरुख मिर्ज़ा के साथ काम करके उनको कैसा लगता है। तो बहुत सारे लोग, जिस तरह हमारा एक सेगमेंट था वाह वाह सल्लल्लाह नातिया कॉम्पिटिशन था, जिसमें हमारी जज थी डॉक्टर फिजा कलीम जो पूरे महीने हमारे साथ रहीं, और पिछली ट्रांसमिशन जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं नूर सहर का, उसमें भी जो है जज के फ़राइज अंजाम दे रही थी डॉक्टर फिजा कलीम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहरुख, वालेकुम अस्सलाम, तो शाहरुख मिर्ज़ा के हवाले से लबकुशाही आपने करनी है, क्या कहेंगी? बस सच सच बताना है। जी जी, जो बोलूंगी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलूंगी। आज की ये रात जो है बहुत बाबरकत रात है और बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया पूरे महीने इन्होंने, और माशाल्लाह कम उम्र है और बहुत टैलेंटेड है और इतने अच्छे, जी जी मल्टी टैलेंटेड हैं और इतने अच्छे काम कर रहे हैं ये वेलफेयर के हवाले से भी और लोगों को प्रोमोट करने के हवाले से भी, और एज अ प्रोड्यूसर तो क्या ही कह रहे हैं, इनकी क्या ही बात है माशाल्लाह। जियो से मैं इनको जानती हूँ, जियो टेलीविजन से इन्होंने आगाज़ किया था, वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इन्होंने एक और चैनल है मेट्रो, वहाँ जहाँ हम लोग लास्ट टाइम थे उस पर इन्होंने जो है वो वहाँ अपने नूर सहर हमने किया, और अब ये तीसरा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह यहाँ पर K21 में, तो यहाँ हमारा तीसरे बस में शहर में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, और चूंकि आलम इस्लाम के हवाले से ईद की खुशियाँ भी दोबारा हो गई हैं माशाल्लाह से, तो उसकी भी ईद भी एडवांस मुबारक,
और मैं इस कामयाब प्रोग्राम के लिए शाहरुख मिर्ज़ा को बहुत सारी दुआएं दूंगी कि ये इसी तरह कंटिन्यू रखें, अपना प्रोग्राम जारी रखें और हम लोगों को ना भूलें कभी भी। हमारे ये गुलदस्ता जो है नात ख्वाओं का, हमारे जो अच्छे कंपेयर हैं और माशाल्लाह से हमारे होस्ट हैं बहुत अच्छे अच्छे, हमारे जजेस हैं, सबको साथ लेके चलें और इसी तरह ये हमारा गुलदस्ता जो है वो चलता रहे दीन के हवाले से इंशाल्लाह। चलिए एक और शख्सियत हमें इस रमज़ान बहुत कम वक्त दिया इन्होंने, लेकिन जो है ये नूर सहर का भी हिस्सा थी, बज़्म सहर का भी हिस्सा थी, इनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे चैनल्स पे आप इनको देख रहे थे, बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन में, बड़े बड़े लोगों के साथ, तो हम छोटे लोगों के पास कभी कभार ये आ जाया करती थी तो, लेकिन बार जो है टीम का हिस्सा है, हाँ वहाँ से पैसे अच्छे मिल रहे थे, टीम का हिस्सा है, तो हम चाहेंगे कि जी जो है थोड़े से कमेंट्स हम मारिया निसार के भी लें। मारिया निसार क्या कहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद रखा, और मैं यही कहना चाहूँगी कि शाहरुख मिर्ज़ा वो नाम है कि जिसके साथ जो भी जुड़ जाता है ना वो फिर उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि या तो उनके पास एक टैलेंट है ऐसा कि वो कभी भी लोगों का की दिल आज़ारी नहीं करते और हौसला अफजाई करते हैं, और वही वाली बात सायमा आपकी बात के टैलेंट को बनाना शाहरुख मिर्ज़ा का काम, पारस पत्थर है ये जिसको छूने सोने का बना देते हैं। और मेरे ख्याल से लास्ट ट्रांसमिशन जो हमने की थी वावा सल्ले अला की मैं जज थी, उसके बाद जितने भी लोग शाहरुख मिर्ज़ा की टीम में थे मेरे ख्याल से आज तक वो साथ ही हैं, और जो वो गया, जो गया भी वो दोबारा वापस भी आ गया, तो शाहरुख मिर्ज़ा ऐसा नाम है जिसे कोई भी नहीं छोड़ सकता। और बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी शाहरुख की जो मुझे बात पसंद आई, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई, वो यही कि ये अपने सीनियर की बहुत कदर करते हैं, और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, मानती हूँ, और उसको फॉलो भी मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा करती हूँ कि मैं भी अपने सीनियर की बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी कदर करती हूँ, और मैं इसको अपना सीनियर ही मानती हूँ, और इसके लिए मैं यही कहती हूँ कि शाहरुख तुम तो बस छोटे से एक बच्चे हो पर काम करोगे बड़े। हाँ हाँ। यूं कहिए कि जी आपके छोटे से सीनियर। लेकिन आपका कहना सही है, इतने छोटे भी नहीं है शाहरुख। हाँ, नहीं ये दिखते छोटे हैं, दिखते छोटे हैं लेकिन है बड़े। हाँ है पूरे ये। अच्छा शाहरुख, रमज़ान ट्रांसमिशन, लोग अक्सर कहते हैं कि एक सीज़न है आप लोगों का ना, रमज़ान में निकल के आप लोग आ जाते हो, रमज़ान के अलावा आप लोग कहाँ होते हो, तो रमज़ान के अलावा कहाँ होते हो? रमज़ान के अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, इसके अलावा हमारे जो है कुछ जैसे कि ये भी बिज़नेस ही है एक तरीके से, और इसके अलावा भी और भी दूसरे बिज़नेस चल रहे होते हैं, तो ऐसा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन करना एक शौक में शामिल हो चुका है, तो रमज़ान ट्रांसमिशन तो लाजमी हमने करनी है। इसके अलावा भी हम लोग और शोज़ कर रहे होते हैं, और अभी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि रमज़ान के बाद हमने या तो गेम शो शुरू करना है या फिर बिज़नेस के ऊपर और मतलब के पढ़ाई के ऊपर कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करना है जिससे लोगों को नॉलेज जाए और बहुत कुछ उसमें हम अच्छा कर सकें। मोटिवेशनल शो एक शुरू करना चाह रहे हैं, मेरी डिस्कशन हुई थी, और गेम शो का ट्रेंड हर तरफ चल रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है कि या गेम शो करें या कोई ऐसा शो करें जो लोगों के इस्लाह का बाइस बने, फिर नाज़रीन सब तैयार हो जाएं शाहरुख मिर्ज़ा के पास आने के लिए। हाँ अच्छा शाहरुख, मैं एक आर्टिस्ट हूँ चूँकि ना, तो रमज़ान ट्रांसमिशन पिछले साल भी आपके साथ की, इस साल भी आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फ़नकारों को जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर, कि जी ये लोग हमें दीन सिखाएंगे, ये लोग हम आगे रमज़ान ट्रांसमिशन करेंगे, और बहुत सारे फ़नकारों पर आपने देखा बैंड भी लगा, तो आप क्या समझते हैं कि एक आर्टिस्ट को रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करनी चाहिए या नहीं? देखें इमरान भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, और देखें लोग कहते हैं कि पूरे साल जो है ये लोग नाचे गए और अब जो है ये सिखाएंगे हमें दीन। देखें वो दीन सिखाने तो आते ही नहीं है, अगर वो दीन सिखाने आते हैं तो उलमा कहाँ जाते हैं? ठीक है, वो एक खूबसूरत बोल सकते हैं, वो तो मेजबान होते हैं, वो अपने आप को मेहमान नहीं कहते, मेजबान होते हैं, और वो जो रमजान के जो लोग मतलब के रमजान में जो लोग हमें दीन सिखा सकते हैं या वैसे जो हमें दीन सिखाते हैं उनको वो लोग मदऊ करते हैं, बुलाते हैं और फिर उनसे सवालात करते हैं। अब हम अगर किसी आलिम को बिठा देंगे, किसी दीनी शख्सियत को, हमने बड़ी एक शख्सियत को बिठा दिया, आलिम मुफ्ती इकराम को बिठा दिया, हम उनका इंट्रोडक्शन तो करवा नहीं सकते, वो अपना इंट्रोडक्शन क्या खुद करवाएंगे कि अपने बारे में खुद बताएंगे, या फिर सवाल अगर आया है तो वो क्या सवाल मतलब कि वो खुद कर लेंगे या फिर और दूसरे? नहीं, ऐसा नहीं है।
जिन्होंने ये ट्रांसमिशन का एक शुरू किया था, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत पायनियर थे हाँ। और वो भी तो आलिम नहीं थे ठीक है, लेकिन उनको इतना अच्छा ये प्रोग्राम करते 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 इतना इल्म आ गया कि किसी एक मुफ्ती साहब ने उनको कहा कि भाई, उन्होंने आमिर लियाकत साहब ने उनसे कहा कि मैं आलिम कोर्स करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सनद दे देता हूँ आपको ठीक है। तो देखें वो जो एक आर्टिस्ट है, वो जो एक फनकार है, वो तो अपनी जगह पे बैठ के वो खूबसूरत तरीके से जो है वो लोगों तक वो बात पहुंचा रहा है और उनके सवालात जो है चारों उलमाओं को, जैसे वो अहले तशी हो, वो सुन्नी हो, वो मतलब किसी भी मसलक से हो, वो उन तक पहुंचाते हैं। और दीन जो सिखाते हैं ना वो उलमा ही सिखाते हैं, वो मुफ्ती मुफ्ती ही सिखाते हैं। आप किसी भी चैनल पे देख लें, फनकार तो दीन सिखा ही रहा होता पे अपनी राय नहीं देते हैं बस हाँ, जो भी कभी भी नहीं, बल्कि वो सीख रहे होते हैं। मैंने जितनी भी ट्रांसमिशंस की हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ भी मतलब कि मेरा ऐसा रहना हुआ है, ट्रांसमिशन हुई है, तो मैंने तो नहीं देखा कि वो अगर दीन सिखा रहे, वो तो उलमा इकराम से जो है वो सवालात पूछ रहे होते हैं। वो मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यार अब ये हमें दीन सिखाएगा, ये हमें दीन सिखाएगी, वो एक महीने के लिए वो दीन से इतना करीब हो जाते हैं, क्या पता यही उनके इस्लाह का जरिया बन जाए। बिल्कुल। और फिर जो आर्टिस्ट होते हैं, फनकार होते हैं, प्रोफेशनल एंकर या होस्ट होते हैं, उनके पास एक तो कुव्वत गोयाई होती है और दूसरा अल्लाह पाक ने उनको जो है एक अंदाजे बयान दिया होता है, तो जिसकी वजह से वो प्रोग्राम को बेहतर अंदाज में कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब होस्ट कर रहे थे इस प्रोग्राम को, तो जितने भी नातवा आए, जितने भी मेहमान आए, हमने सिर्फ उनसे सवाल किए, जवाब उन्होंने खुद दिए और उनके जवाब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही था कि हम सीखें भी और हमारी तवज्जो से लोग भी सीखें। सवाल दिए जाते हैं, कंटेंट जो हेड होता है या कंटेंट राइटर जो होता है वो भी कोई आलिम या मुफ्ती ही होता है, या अगर कोई कंटेंट लिख रहा है तो फिर मुफ्ती इकराम से जो है वो उसको सेंसर करवाया जाता है, उसके बाद वो फनकार के पास पहुंचता है, फिर वो फनकार सवाल मतलब फनकार का तो कुछ है ही नहीं ना, वो फनकार तो सिर्फ बैठा हुआ है, क्या पता उसकी इसलाह हो जाए। अब ऐसे आप लोग तनकीद कर देते हैं कि अब ये हमें दीन सिखाएगा, अब ये हमें दीन सिखाएगी, तो यार ये तो मतलब कि मेरे जहन में आपके ख्याल से ये गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और दीन भाई, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं ना, दीन सबका है, दीन सबका है, और दीन सीखने के लिए कोई खास लोगों की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बेहतरीन किताब मौजूद है, उसके जरिए हम दीन बहुत अच्छे तरीके से सीखते। अच्छा, जब होस्ट के हवाले से बात चली पड़ी है, तो बेशुमार लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बेशुमार लोगों को सुना भी आपने, तो पसंदीदा तरीन होस्ट मेल, पसंदीदा होस्ट फीमेल कौन सी है? देखिए, मेल के हवाले से जहाँ तक बात है ना, तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से तो मतलब के सभी जानते हैं, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से अच्छा होस्ट मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई नहीं। और अगर फीमेल में पूछें तो राबिया नाम से अच्छा जो है कोई, राबिया नाम से अच्छी कोई जो है वो फीमेल होस्ट नहीं है, चाहे वो आप मॉर्निंग शो के हवाले से देखें या किसी भी हवाले से देखें, मेरे ख्याल से अपना राबिया नम से अच्छी कोई पाकिस्तान के अंदर अभी होस्ट अभी तक होस्ट नहीं, अभी नहीं है। चल, रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से आमिर लियाकत साहब तो लेजेंड है, वो तो पायनियर है, सब ने उनको कॉपी किया। अब आमिर भाई के बाद अगर हम कहें तो कौन सा होस्ट आपको बेहतर लगा? आमिर भाई के बाद अगर देखा जाए तो फिर वसीम बदामी, कुछ 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 उनके मासूमाना सवाल अच्छे हैं। चलें इसी तरह मासूमाना ब्रेक लेते हैं हम, बज़्म शायर में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, रहिएगा हमारे साथ। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बातें कर रहे थे बहुत अच्छी अच्छी, अब फिर दोबारा शाहरुख मिर्जा की तरफ आते हैं। अच्छा शाहरुख, एसएम नाथ काउंसिल क्या है और कब से चल रही है? एसएम नाथ काउंसिल जो है वो तकरीबन 6 से 7 साल से चल रही है, और इसमें जो है हम लोग जो है नातवानों को जो आगे नहीं बढ़ पाते उनको प्रमोट करना है, इसके अलावा नकीब महफिल है, और फिर जो है हम लोग इसमें फलाही काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने जब ये शुरुआत की थी इसकी एसएम नाथ काउंसिल की, तो हमने राशन वगैरह के हवाले से बड़ा काम किया था, सिलाई मशीनें बहुत ज़्यादा बांटी थी, और फिर उसके उसके बाद जो अगला साल आया तो फिर हमने उसके राशन के ऊपर बड़ा काम किया, तो मेरे दोस्त हैं राव करामत सनागर भाई, तो उनके साथ मिलकर हमने एक राशन प्रोग्राम किया और एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हमने किया,
और फिर इसके अलावा जो है हम लोग मतलब इसमें फलाही काम भी कर रहे हैं और लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो एस एम नॉर्थ काउंसिल इस तरह से काम कर रही है। अभी एक दो महीने पहले हमने एक अवार्ड शो भी करवाया था, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा हमारा। मैं बिल्कुल अमूमन अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो जितने भी गुलकार फनकार होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए तो बहुत सारे लोग निकल आते हैं और काम होते हैं और अपील भी की जाती है लोगों से हुकूमती सतह पर भी, लेकिन ये जो बेचारे नाथख्वा होते हैं ना, तो इनके लिए जो है सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। तो शाहरुख मिर्ज़ा उनमें से एक हैं जिन्होंने इन नाथख्वा हजरात के बारे में सोचा, उनके मसाइल के बारे में सोचा, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म किया जहाँ पर वो आकर उनसे जो है ना मिल सकते हैं और अपने टैलेंट को उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा शाहरुख, आप ये बताइए, आप ये प्रोडक्शन की तरफ क्यों आए? आपने तो माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड हैं और भी बिजनेस बता रहे हैं, आज भी एक और नई चीज़ आपके बारे में मुझे पता चली, तो इस तरफ आने का क्यों ख्याल आया? देखिए मैं आपको शायद पता हो मैं नाथख्वा भी हूँ और नाथख्वानी क्या करता था जी। तो बस एक शुरू से ये, क्योंकि मैंने स्ट्रगल बहुत किया नाथख्वानी की फील्ड में, तो बस ये है कि मैंने कुछ नाथख्वानों को जो है वो आगे बढ़ाना, मुझे मौका मिला एक चैनल पर, तो मैंने उन कुछ नाथख्वानों को भी वहाँ पे आगे प्रमोट करना चाहा, उनको बढ़ाना चाहा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मौका था। तो समझ लें कि वो मैं नाथख्वानों को लेकर जाता था, और फिर जो है इमरान हबीब भाई जो कि समझ लें मुझे इस फील्ड में लाने वाले शख्सियत है वो, और तारिक बिन आजाद भाई। अच्छा। तो इन दोनों ने जो है मुझे वो कुछ बताया, इसके मीडिया के हवाले से कुछ बताया, मुझे जो है बहुत ज्यादा सिखाया, और फिर जो है उस साल मैंने उनके साथ काम किया, तो एंड में जो है उन्होंने मुझे कुछ रकम दी। मैंने कहा ये अच्छा। तो कहने लगे, मैंने लगी किस चीज के पैसे, लगे तो कोऑर्डिनेशन के लिए, मेरा पैसे भी मिलते हैं। अच्छा। तो बस वहीं से लत लगी आपको? बस नहीं, लत की बात नहीं है, बात यह है कि बड़ा मजा आया वो काम करके ना, बहुत मजा आया। आपने पहले चैरिटी के तौर पर शुरू किया था ये काम? नहीं, चैरिटी के तौर पर नहीं, बस शौक था, शौक, शौक में किया, शौक था बस। हाँ, मीडिया में काम करने का किसको शौक नहीं होता, ठीक है। तो बस वो इस तरह से शुरू किया था, फिर उसके बाद जो है फिर अगला उन्होंने ही मुझे अगला चांस एक बहुत बड़े चैनल पर दिया, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया, और वहाँ पे नाथख्वाओं के सीनियर तरीन नाथख्वा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम अलहाज उवैस रजा कादरी साहब के साथ काम करने का जब मौका मिला, तो बस फिर रुके नहीं, हम चलते रहे। चलें, आपके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने तो आपको पैसे दिए, आप भी एक प्रोड्यूसर, आप पैसे देते हैं कि नहीं देते? मैं पता करता हूँ, हमारे साथ साथ मौजूद हैं, ये जो मेरे हाथ में आप क्यू कार्ड देख रहे हैं, ये क्यू कार्ड जो है साथ तैयार करते थे, इसमें जितना भी नाम गेस्ट के लिखे होते थे और जो कुछ कॉन्टेंट होता था वो साथ हमें फराहम करते थे। यहाँ पे सेट पे जितने भी गिफ्ट्स हमारे स्पॉन्सर्स को होते थे इनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। साथ पहली रमजान ट्रांसमिशन है मेरी, तकरीबन दूसरी ट्रांसमिशन है शाहरुख भाई के साथ, और माशाल्लाह पिछली भी इनकी ट्रांसमिशन बहुत ही ज़बरदस्त गई थी, और इस दफ़ा आपके सामने ही है। पैसे देते हैं? नहीं नहीं, मैं दोस्ती यारी में भी कर लेते हैं, कभी कभी खुशी से दे दें तो अच्छा। देते हैं, देते हैं आपको, देते हैं। अरे साद ने बहुत वर्किंग की है इस ट्रांसमिशन के लिए, हर थोड़ी देर बाद आ रहा होता था, बस दो मिनट रह गए, तीन मिनट रह गए, जल्दी आ जाएं आप लोग सेट पर। कहा कि भाई इतने पैसे लूंगा। अच्छा, डिमांड कर दी, इतने पैसे लूंगा मैं। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर कैसा पाया शाहरुख मेरे साथ? बहुत ही जबरदस्त इनके साथ काम करके मुझे लगा, जैसे पिछली दफा काम कर रहे थे उसके बनिस्बत मैं आज इस दफा अकेला काम कर रहा हूँ इनके साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस इन्होंने और बढ़ा दिया माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। गुस्सा करते हैं, डांट वांट पड़ती है कभी कभी, अगर इनके पास लेट पहुंचो या कहीं जाना हो, कहीं लेट पहुंच रहे हो तो ये कभी कभी गुस्सा करते हैं, वैसे तो माशाल्लाह बहुत नाइस बनते हैं ये, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र आता। गुस्से की शिद्दत कितनी होती है? बहुत शदीद होता है? गुस्से की शिद्दत इनके पास होती है थोड़ी, आधा पाव या एक पाव होती है। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं होती। मासूम सा है ना, मैंने कभी गुस्से में देखा नहीं है इसको ना, ये आपको नहीं लगता? हाँ वसीम, वसीम बादामी जिस मासूम का जिक्र करता है ना वो यही है। नहीं, इमरान भाई ने भी गुस्से में देखा है मुझे, पिछली ट्रांसमिशन में देखा है। हाँ, वो एक बार हो गया था, ठीक। वैसे उमूमन गुस्से में नहीं होते शाहरुख, नहीं नहीं इतने गुस्से में नहीं होते, शरीफ सा मासूम सा बच्चा। हाँ, अपनी एंकर की तरह बिल्कुल। अच्छा, इस मकाम तक पहुंचने में बड़े नशेबो फराज आए होंगे, बहुत कुछ झेला होगा आपने, कोई एक खास शख्सियत जिसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? मेरी वाइफ जी, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे वालदेन ने भी किया शुरू से, वालदेन ने तो किया है सपोर्ट, लेकिन वाइफ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। अच्छा अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन किससे थी? डॉक्टर आमिर लियाकत से? जी बिल्कुल। अच्छा, उस्ताद हैं आपके? उस्ताद भी हैं, मुर्शिद भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो जो वो करेंगे वो आप करेंगे इंशाल्लाह? नहीं, जो वो करे वो आप ना करें। वो तीन कर चुके इंशाल्लाह। हाँ। आगे इरादा है मेरा भी है, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ठीक है जी,
चलें जी, चलें, कोई तो ऐसा है जो आमिर लियाकत हुसैन को हर लिहाज से फॉलो कर रहा है? नहीं, उन्होंने पहले छोड़ दिए, मैं छोड़ने के हक में नहीं हूँ। ठीक, नहीं, ये आगे मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं कर रही है। अच्छा, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं आपके, और कुछ नाम पर प्रोजेक्ट्स? हाँ, नहीं, मैं उस प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, टीवी पे अब तक कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं? टीवी पे अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है वो है वाह वाह सुभान अल्लाह, जो कि जियो पे रहा और वो वर्ल्ड फेमस एक नाच कंपटीशन है। और फिर उसके बाद जो है वो नूरे सहर, फिर ये बज़्मे सहर। अच्छा, शाहरुख के बहुत सारे का क्या टैग लगाते हैं आप, ये किस लिए? देखिये, एक वर्ल्ड फेमस नाच कंपटीशन हो चुका था वाह वाह सुभान अल्लाह, तो वो मैं कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक दूसरे चैनल के ऊपर होता है, मैं कर नहीं सकता था कहीं और। तो फिर मैंने सोचा सोचने के बाद ये आया कि वाह वाह सल्ले अला। अच्छा, अगले साल फिर वाह वाह के बाद कुछ और ऐड होगा? नहीं नहीं नहीं, ये वाह वाह सल्ले अला हम हर चैनल पे कर रहे हैं। हमने पिछले साल नूरे सहर में भी किया था। अच्छा। यहाँ भी किया था, और मैंने अभी कुछ 2-3 महीने पहले जो एक अवार्ड शो किया उसमें भी। और स्क्रीन के अलावा भी अगर कोई नाच कॉम्पिटिशन ये करते हैं तो उसका नाम वाह वाह सल्ले अला ही होता है, और वाह वाह तो कोई भी चीज अच्छी हो उस पे वाह वाह सल्ले अला हो तो क्या ही बात है। चले, और बहुत सारे लोग हैं जिनका ताउन, जिनका साथ रहा, जिनका प्यार, जिनकी मोहब्बत रही, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन हम लोग आपके सामने कामयाबी से पेश कर सके। अल्ताफ पारेख साहब बैठे वीडियो बना रहे हैं, मसरूफ़ हैं अल्ताफ पारेख साहब। हाँ, बहुत असद भाई, मैं अभी जो है अपनी इस टीम की तरफ आऊँगा, लेकिन अभी अल्ताफ पारेख भाई हैं, तो मैं चाहूँगा कि अल्ताफ पारेख भाई के कुछ कमेंट्स ले लें ज़रा। हमारे बहुत सारे गेस्ट जो आपने यहाँ पे देखे और बड़ी बड़ी शख्सियात को ये लेकर आए अपने ताल्लुकात के बिना पर हमारी ट्रांसमिशन में, तो अल्ताफ पारेख भाई ज़रा आइएगा। और गेस्ट भी हमारे माशाल्लाह से इस तरह के थे जो सामाजिक काम में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, देखती आंखों सुनते कानों को, अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा, पुरखलूस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे देखने के लिए आँख दी है, सुनने के लिए कान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, और बोलने के लिए जबान दी है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लफ्ज़ खैर के बोलवा। ये मेरा एक ट्रेडमार्क मेरा डायलॉग है, जिसके तहत मैं ये आता हूँ। मैं क्या बताऊँ, अभी हमें माशाल्लाह शाहरुख मिर्ज़ा, ये वो बंदा है, अगर इससे कोई दुश्मन भी मिल ले तो वो भी दोस्ती इख्तियार करेगा, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इतना कम सिनी में लोगों की इस जिस तरीके से वो इज्जत करता है और इज्जत से रिस्पेक्ट देता है, और ये हमारा असद भाई ने कहा है ना कि इनको गुस्सा नहीं आता, पाव आधा पाव जितना है, छटांग जितना आता है, क्योंकि गुस्सा तो जाहिर है मर्दों में तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, एक जरूरी भी है, लेकिन जो है ना लोगों के समझे के टेंशन में भी होते हैं तो भी वो माशाल्लाह खुश असलूबी से मिलते हैं। और दूसरा ये कि इतना बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करना, अवेस रजा कादरी और जियो टीवी चैनल में काम करना, और बहुत ही वेल एंड गुड है, इनका टैलेंट होगा तो इन्होंने कोई इनको सीढ़ी चढ़ाया ना, इनको काम पे ले आया। और सबसे बढ़कर ये मैंने ये बात नोट की है कि ये सिर्फ है ना कि ये शख्सियत परस्ती नहीं करते हैं। शख्सियत परस्ती के मुराद है कि यार इस होस्ट को मैं रख लूंगा तो मेरा प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा, इसके फॉलोअर्स आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। अब सल हमारी बहन है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके ऊपर भी इन्होंने समझो कि अपना वो रिस्क लगाया ना, कामयाबी से हमकिनार हुई। और माशाल्लाह हमारे इमरान शरियार, वो तो माशाल्लाह, एक मेरे को इनकी बाधाएं मुझे ये पसंद आती है कि माशाल्लाह इमरान शरियार साहब एक जो मैं अपने कहता हूँ ना अपनी लैंग्वेज में एक तमहीद बांध के जो गुफ्तगू करते हैं जो पुआम का होता है हिस्सा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि शाहरुख मिर्जा साहब, वो समझे कि अभी यहाँ बैठे हुए हैं किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये इनके ऊपर क्या कैफियत गुजर रही होगी, वो इनका दिल इनका अल्लाह जानता है। इसकी वजह ये कि सुमाना शाहरुख मिर्जा साहब इधर घूम रहे होते, इधर घूम रहे होते, इधर घूम रहे होते, ये पहला प्रोड्यूसर है जो कि स्क्रीन पे नहीं आता, और स्क्रीन के बैक साइड पे जो काम करने वाला, इस प्रोग्राम को आगे लेके आने वाला, तो ये समझेगा जब प्रोड्यूसर होता है तो बहुत वेल एंड गुड करते होता है। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस है शाहरुख मिर्जा के साथ? मेरा असल मैं आपको बता रहा ना, हम लोग इस फील्ड के नहीं है कि जो इनके साथ प्रोडक्शन में साथ काम करे, मिले जुले, सिर्फ एक बार पता नहीं क्या मुझे जादू कर दिया तो मैं भी आने जाने लग गया, मैं इनकी रिविजन कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने, मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ लोगों ने शाहरुख मिर्जा को थोड़ा सा डिग्रेड करने के चक्कर में इसके हो गए, तो मैंने बोला मैं भी इसको उठाऊंगा। अच्छा, तो मालिक का एहसान है कि जहाँ हम चले जाते हैं तो वहाँ बस में रौनक हो जाती है। और शाहरुख मिर्जा तो मैं आपको बताऊं ना कि ये जिस चैनल में चले जाएंगे
वो चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी इंशाल्लाह। और हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नातखुआ है डॉक्टर फिजा खलीम साहबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनको मैं बार बार लफ्ज ये कहता हूँ सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी ये है कि माशाल्लाह अच्छी से अच्छी नातखुआ है, बेहतरीन खुश अलहन नातखुआ है। और माशाल्लाह दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट तरीके से लोगों से इज्जत के मैं उसमें रहती हैं, और अपना इन्होंने वो खोल नहीं रखा हुआ है कि मैं बड़ी इन्हें भी ये वो फला। तो इस तरीके से मिलती है कि म्याना रवि है माशाल्लाह को खुश अखलाक है और माशाल्लाह अच्छी ऐसे लगता है कि जैसी शाहरुख मिर्जा की भी हम उम्र है हमारी भी उम्र है। बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह वो गुफ्तगू करती है। मैं सामने नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ जो इनमें हकीकत देखी शख्सियत देखी है। और दूसरा ये शाहरुख मिर्जा के बारे में एक बताता चलूं कि ये जो है ना समझे फन सलासी शख्सियत एक इनमें है। कभी मैं भी इनसे वो कहते हैं ना इस्तेखारा या कुछ इन्फॉर्मेशन में इनसे लेना शुरू कर दूंगा कि शाहरुख भाई इनके ऊपर कुछ काम छोड़ा जा सकता है एक बीच चौराहे पे नहीं जा सकता। तो लेकिन अगर शाहरुख भाई ने जो 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 माशाल्लाह इन्होंने जो समझे कि लोगों के ऊपर कनाना के जैसे इमरान भाई हमारे प्रोग्राम को उठा देंगे, देखे ना इमरान भाई को और भी ऑफरें आई होगी कि ये कर ले वो कर ले। हम जैसे को ऑफरें आती थी कि यार सर ये आप ये कोऑर्डिनेशन कर लो आप इधर आ जाओ हमारा फला फला चैनल हमारे तीन तीन प्रोग्राम होते हैं। नहीं यार हम लोग कोई पैदागिरी के पैसे के लिए थोड़ी है, हम तो एक मोहब्बत में आए और मोहब्बत के पुजारी हैं तो मोहब्बत में ही आएंगे और मोहब्बत में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ पारेख साहब आपके ये कीमती अल्फाज। शाहरुख क्या कहेंगे अल्ताफ भाई के बारे में? अल्ताफ भाई एक बहुत अच्छी शख्सियत है और यकीनन जब ये तारीफ कर रहे हैं तो खुद भी तारीफ के काबिल हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ये काम करते हैं और ये वेलफेयर के हवाले से भी बहुत काम कर रहे होते हैं। ताल्लुकात भी माशाल्लाह इनके बहुत अच्छे हैं और इनको हर शख्सियत ही जानती है। अच्छा। इनको हर शख्सियत जानती है। मेरे पास कुछ मेहमान आए थे तो मैंने उन इनसे तारुफ करवाया कि मतलब कि उनका जी जी मैं शाहरुख भाई को हुक्म मैंने ये सोचा था थोड़े से इसे इनके प्रोग्राम में बिजनेसमैन को लाऊं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हो मारूफ बिजनेसमैन हो और बिलखसूस मेरा ताल्लुक मेमन बरादरी से मैं मेमनों को भी लाऊं तो ठीक है ना। अभी कोई भी चैनल का नाम सुन के एक तो मेमन लोग माजद के साथ चैनल पे आते नहीं है, बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ होती है, क्यों काम करने वाले होते बोलने वाले ज्यादा नहीं होते माजद के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी मेमन हूँ मेरे वास्ता है। लेकिन अभी मेरे पास समझे कि मेमन कुछ आने लग गए दूसरे हमारी मेमन बरादरी से लोगों का तांदा अभी तक मेरे पास बंधा हुआ है। अच्छा। शाहरुख भाई ने मुझे लिमिट रखी थी कि जो मेहमान की एक होनी चाहिए बाकी माशाल्लाह वो खुद सना खान है। उनकी कोशिश ये होती है कि नातखवानी के फरोग के लिए नातखवानी के तरवीज इशात के लिए मुस्तकिल काम किया जाए। तो माशाल्लाह वो जो समझे कि एक नातखवानों के लिए थोड़ा सा माजद के साथ कोटा ज्यादा रखा था कि नातखवा ज्यादा होने चाहिए क्योंकि न्यू टैलेंट उभर के आएगा ना बिल्कुल तो नातखवा ही नातखवा होगा इंशाल्लाह। अच्छा फिर उन्होंने माशाल्लाह वो भी नहीं रखा कि यूं नहीं यूं इनकी अपनी रिक्वायरमेंट भी नहीं जो आए आने दो इसकी वजह कि इनको हम प्रोमोट करेंगे जाहिर है खुद भी एक नातखवा है तो नातखवा के लिए बारे में नातखवा सोचे। अभी मेमनों का समझे कि तांता बधा हुआ है तो मैं हमारे शाहरुख भाई से अपील करूंगा कि जिस तरीके से वो प्रोग्राम आगे करने के लिए जा रहे हैं ठीक है ना कराची के मसाइल के हवाले से पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से ये आप प्रोग्राम करेंगे तो मुल्क को जो जनरेट फराम करने वाला बिजनेसमैन है उसके लिए भी वो काम करे और जिस बिजनेसमैन के ऊपर आप आवाज दो तो इंशाल्लाह मैं लेके आ जाऊंगा अल्लाह ने चाहा वो मेरी बातों पर आ जाएंगे। क्या कहने जबरदस्त रमजान के अय्याम कम पड़ गए लेकिन गेस्ट हमारे पास बहुत सारे थे और जो है हम बातें भी बहुत हैं। हाँ बहुत सारे गेस्ट थे जो नहीं आ सके इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम की खास बात ये थी कि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो मैं सोचता था कि यार नातखवा के अलावा हमारे पास गेस्ट आएगा कौन। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ इसकी कामयाबी ये थी कि लोग खुद हमसे रब्ता कर रहे थे कि आपके प्रोग्राम में हम आना चाहते हैं। जोग दर जोग लाइन लग गई यहाँ पे मेहमानों की और एक से एक आलीशान मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद था। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं हमारे पास नामवर नातखवा भी खुद आने की कोशिश में थे कि हम आ जाए हम आ जाए। एक बहुत बड़ा नाम वो खुद कहकर आए कि भाई मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा शाहरुख पूरी ट्रांसमिशन हमारी हो गई अच्छे से अच्छे कोशिश की हम सब ने कि बेहतरीन ट्रांसमिशन जो है पेश की जा सके फिर भी कहीं कमी कोताही तो रह जाती है कामों के अंदर तो आपको लगता है कि ये कसर रह गई अगले साल मैं पूरी करूँगा? हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी थी लेकिन टाइम बहुत कम था मगर यह है कि K21 की टीम से मेरी बात हुई है और यही बात हुई है कि हम जो है अब पूरे साल जो है कुछ प्रोग्राम करें और जो कसर जहाँ रह गई वहाँ पूरी कर लें इंशाल्लाह। और कुछ लोगों के मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप पहले
कर लें तो फिर जी उसके बाद अच्छा वक्त भी हमारे पास बहुत मुख्तसर सा रह गया है, तो एक बहुत बड़ी टीम जो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कोशा रहती थी और बड़ी मेहनत और बड़े जो है ना चुकन्ने होकर इस प्रोग्राम को जो आप तक पहुंचाया जाता था, जिसमें फैज़ान तैमूरी हैं जो कि मार्केटिंग की जिनका ताल्लुक है, मोहम्मद वसीम भाई HR मार्केटिंग हैं, आमिर बेग साहब जो कि चीफ मार्केटिंग हेड हैं, इसके अलावा अबू तहसीन भाई हैं और अली शेख साहब हैं, असद एंड बदर कैमरामैन हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो 29 दिन आप लोगों के साथ माशाल्लाह से गुजरे। फैसल राही साहब हैं GMR और रिजवान जाफरी जो हमारे छोटे मोटे जितने काम होते थे रिजवान जाफरी किया करते थे, बिलाल रिजवी प्रोड्यूसर हैं और इसके अलावा जितने भी लोग जिनके नाम जो है मेरे पास थे उनके भी और जिनके रह गए बोल रहे हैं। हाँ सज्जाद भाई MCR वाले जो मेरे से रابطے में रहते थे और उनकी आवाज़ मैं सुन सकता था खाली, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो K21 की पूरी टीम जिसने भी इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हिस्सा डाला उन सब के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने बड़ा ताउन किया, बड़ी मोहब्बत दी और बड़े अखलाक वाले लोग इस चैनल पे हमें मिले। और इमरान हम लोग तो अब मसरूफ हो जाएंगे सब, हाँ। शाहरुख भी मसरूफ हो जाएगा, आप भी, हम सब, लेकिन यहाँ से हम जो चीज़ लेकर जा रहे हैं, यहाँ की मोहब्बतें लेके जा रहे हैं, अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शाहरुख जल्दी से क्योंकि वक्त कम है, फिर अलविदाई सबसे पहले मैं अपने स्पॉन्सर जो हैं अशरफ मेहमान साहब उनका शुक्रिया अदा करूंगा, इकबाल अडवाणी साहब, सज्जाद सोमरो साहब, अमजद दौला साहब, फाजिल खान साहब जिन्होंने जो है फर्स्ट आने के लिए मशीन दी थी, और अनवर खुर्शीद साहब, रूही अकबर, उन्होंने पहले भी हमारा बड़ा साथ दिया था किचन में और इस बार भी क्यूर एंड फ्लेवर, और उनके साथ ही होते हैं सैयद खाबर, और मेरी टीम जिसमें जो है अल्ताफ पारिक साहब हैं, डॉक्टर फिजा साहिबा हैं, मोहम्मद साद हैं, मारिया निसार हैं, सैयद आसिफ हुसैन हैं, और फिर जो है K21 की जो टीम है सबसे पहले जो है फैजान तैमूरी भाई का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ, वसीम भाई का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा साथ दिया, कुछ भी बात होती थी तो हम उनको कहते थे और फौरन वो सुनते थे और सुनते हैं, और आमिर बेग साहब और असद कैमरामैन जिनका बड़ा साथ रहा, बड़ा कोऑपरेट रहा, फैसल भाई, फैसल राही साहब और रिजवान जाफरी जो के हमारे काम वगैरह किया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब लोगों का। ये वो तमाम नाम थे जिनका पूरे महीने हमारे साथ बहुत ज्यादा तामून रहा और बेपना प्यार इन लोगों का मिला है हमें, और इंशाल्लाह ताला बदस्ती अब जिंदगी कल आप लोगों से मुलाकात होगी, और जब हम जाएंगे तो हमारे साथ जो है एहसन अलवी मौजूद होंगे और एहसन अलवी की आवाज़ में हम अलविदाई कलाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़। कल्ब आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमजान, अलवदा अलवदा माह रमजान, अलवदा अलवदा माह तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौके इबादत भरा था, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माह रमजान, अलवदा अलवदा माह रमजान, अलवदा अलवदा माह रमजान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, चौक दर चौक आते नमाजी, हो गया कम नमाजों का जज्बा, अलवदा अलवदा माहे रमजान।